एक बार की बात है, एक अनोखे छोटे से गांव में टिम्मी नाम का एक जिज्ञासु छोटा लड़का रहता था। एक धूप भरी सुबह टिम्मी पास के जंगल में एक साहसिक यात्रा पर निकल पड़ा। जैसे ही वह घने पत्तों के बीच से भटक रहा था, उसने एक रहस्यमयी घोड़े जैसी आवाज सुनी जो उसे पुकार रही थी। हतप्रभ होकर उसने आवाज के स्रोत की तलाश की, लेकिन कोई घोड़ा नजर नहीं आया। जैसे जैसे समय बीतता गया, आवाज साफ होती गई और अचानक टिम्मी की आंखों के सामने एक शानदार दृश्य सामने आया। एक सुंदर गुलाबी और जादुई घोड़ा पेड़ों के बीच खूबसूरती से खड़ा था। टिम्मी घोड़े की उपस्थिति से मंत्रमुग्ध हो गया और उनके बीच मधुर मित्रता पनप गई। साथ में उन्होंने जंगल के आश्चर्यों का पता लगाया, घास के मैदानों में दौड़ लगाई और हंसी मजाक किया। टिम्मी ने अपने नए दोस्त का नाम स्पार्कल रखा, क्योंकि घोड़े का कोट स्टारडस्ट की तरह चमक रहा था। उस दिन के बाद से टिम्मी और स्पार्कल अविभाज्य हो गए। छोटे लड़के का दिल खुशी और आश्चर्य से भर गया, क्योंकि उन्होंने जंगल में अपने जादुई कारनामों का आनंद लिया, जिससे ऐसी यादें बनी जो जीवन भर याद रहेंगी। और इस तरह एक छोटे लड़के और उसके गुलाबी जादुई घोड़े के बीच एक उल्लेखनीय बंधन बन गया, जिससे साबित हुआ कि असाधारण दोस्ती सबसे अप्रत्याशित स्थानों में भी पाई जा सकती है।